एक बार एक राज्य के राजा ने एक बौद्ध भिक्षु को अपने महल में बुलाया और उनसे कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको। राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र राजा के हाथों में दे दिया। उनके कपड़ों के अलावा ये भिक्षा पात्र ही उन बौद्ध भिक्षु के पास एकमात्र सांसारिक वस्तु थी जिसे उन्होंने बिना कुछ सोचे राजा को दे दिया था। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दिया जिसमें चारों तरफ मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की तरफ चलने लगे। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो कीमती सोने का कटोरा देख लिया और उस कटोरे को चुराने के उद्देश्य से उनका पीछा करने लगा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस कर लिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इस सोने के कटोरे की वजह से वह चोर उनकी मानसिक शांति को ख़राब करेगा, साथ ही उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना चाहिए। जब वे बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने उस कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक दिया और चुपचाप कुटिया के अंदर चले गए। चोर एक पेड़ के पीछे छिपा ये सब देख रहा था। जब उसने देखा कि बौद्ध भिक्षुक ने सोने का कटोरा कुटिया के बाहर ही फेंक दिया है तो उसने सोचा कि जरूर इस बौद्ध भिक्षु की कुटिया में इससे भी कहीं ज़्यादा कीमती धन छिपा होगा, इसीलिए तो उसे उस सोने के कटोरे की कोई परवाह नहीं। यह सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाता है। कुटिया के अंदर वे बौद्ध भिक्षुक ध्यान में तल्लीन होते हैं। वो चुपचाप दबे पाँव कुटिया के अंदर आता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो एकदम खाली थी। यह देखकर वह चोर और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि जब इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ हो या ना हो, मुझे तो उस कटोरे को लेकर अपने घर निकलना चाहिए। वो कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में फिर वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षुक के पास ऐसा क्या है कि उसे इस सोने के कटोरे की परवाह नहीं और मस्त मौला होकर अंदर बैठा है। उसके अंदर इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षुक के सामने बैठ जाता है और उनकी आँखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो बौद्ध भिक्षु अपनी आँखें खोलते हैं और उस चोर को अपने सामने बैठा देखते हैं। वो उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो तुम आ गए? चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका महल से लेकर इस कुटिया तक पीछा किया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया? आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस हीरे से जड़े सोने के कटोरे से भी ज़्यादा कीमती है? यह सुन वो बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने कहा, ऐसा कौन सा खजाना है? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। यह सुन वो चोर उन बौद्ध भिक्षुक के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, मैं एक लुटेरा हूँ और मैं यहाँ आपको लूटने आया हूँ, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले, आपसे मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप अपने ध्यान के खजाने से मुझे एक छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? यह सुन बौद्ध भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के उस अनंत खजाने को प्राप्त कर सकते हो, बस इसके लिए तुम्हारे अंदर एक मजबूत संकल्प शक्ति का होना ज़रूरी है। यह सुन उस चोर ने कहा, महाराज, लेकिन मुझे ध्यान करना नहीं आता, कृपया सबसे पहले आप मुझे ध्यान करना सिखाएं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, ध्यान करना बहुत आसान है, यहाँ तक कि तुम्हें ध्यान करने के लिए कुछ भी खास नहीं करना। सबसे पहले तुम्हें एक शांत और आरामदायक जगह का चुनाव करना है, फिर एक चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाना है ताकि तुम्हारा जमीन से संपर्क ना रहे, और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। फिर तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर रखनी है, याद रखना हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब तुम्हें अपनी आँखें बंद कर लेनी है और लंबी व गहरी सांसें लेनी है। कोशिश करना कि जब तुम सांसें लो तो तुम्हारा पेट सांसों के साथ ही अंदर और बाहर हो,
इससे सांसें लंबी और गहरी होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य अवस्था में आने दो और हर एक आती जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। कोशिश करो कि तुम सांस के आने जाने रुकने हर एक अवस्था को महसूस कर सको। एक भी सांस तुम्हारे महसूस किए बिना नहीं गुजरनी चाहिए। केवल आती जाती हुई सांसों पर ही पूरा ध्यान दो। शुरुआत के कुछ दिनों तक तुम्हारा मन बार बार किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें याद आए तुम्हें फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस पूरी जागरूकता के साथ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। समय के साथ तुम्हारी सांस लेने की गति धीमी होती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारे सांस लेने की गति धीमी होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा और तुम्हारी सांसें और भी लंबी और गहरी होती जाएंगी। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारे मन से सारे विचार ही गायब हो जाएंगे और तुम्हारा मन शांति के महासागर में डूब जाएगा, और यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है। बौद्ध भिक्षु के बताए तरीके के अनुसार उस चोर ने ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने चोरी करना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हम पाएंगे कि बहुत से लोग हैं जो ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ध्यान करना कैसे है। ध्यान करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे आसान और चर्चित तरीका है उसका नाम है आनापाना ध्यान विधि, जो कि विपासना ध्यान विधि का ही एक हिस्सा है, जिसे आज से लगभग 2500 साल पहले खुद गौतम बुद्ध ने ईजाद किया था। आप इस ध्यान विधि को करने में एक दिन में महारत हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको काफ़ी लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप 15 से 20 मिनट तक रोज़ इस अभ्यास को करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने अंदर एक अद्भुत बदलाव देखेंगे। इस विधि में कुछ और नहीं करना होता, बस आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाना है। इस विधि में आपकी सांसें आपके मन के लिए एक लगाम की तरह काम करती हैं। जैसे हम एक घोड़े को उसकी लगाम के माध्यम से अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर अपने मन को भी अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है और आपका मन बार बार भटकता है, तो आती जाती सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी सांसें गहरी और धीमी होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे हमारी सांसें धीमी और गहरी होती चली जाती हैं, वैसे वैसे हमारे मन से विचारों के उठने की तीव्रता भी कम होती चली जाती है। और कुछ समय पश्चात फिर एक ऐसी मानसिक अवस्था भी आती है जब हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है और हम एक अनंत शांति का अनुभव करते हैं। अपनी सांसों पर लगातार ध्यान देने के लंबे अभ्यास के बाद हम अपने आप को अपने शरीर और अपने मन से अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं, और यही गहरे ध्यान की अवस्था है, और इसी अवस्था में सारे दुखों का अंत है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।